क्यों माते एवेंजर ज्यादा आपको एवेंजर्स ज्यादा पसंद है या फिर हैरी पॉटर? कंपेयर नहीं कर सकते है? दोनों का तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो फिर भी आपको कौन सी, आपको ज्यादा अच्छी कौन सी लगी? मेरे को दोनों ही अच्छी लगी। वेलकम गाइस टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। आई होप सब बढ़िया होंगे आप लोग, है ना। तो आज क्या है कि थोड़ा सा कल लेट सोया था मैं, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा था, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दिखाता हूँ मैं आपको कौन सी किताब है, नॉवल है बेसिकली। ये वाली बुक है द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। ये पढ़ रहा था मैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था सोने में, 2:30 बज गया था। तो अभी थोड़ा सा लेट ही सो के उठा हूँ, 9 बजे करीब सो के उठा था। और मम्मी आई थिंक बाहर झाड़ू पोछा लगा रही हैं, देखते हैं कहाँ चली गई हमारी मम्मी। कहाँ हो मम्मी? अरे कहाँ चली गई? अरे मम्मी इज डूइंग समथिंग डिफरेंट टुडे। ये आ रही हो है? तो है तो नहीं, तो इसको आप मत करो, फिर रहने दो मैं कर दूंगा। इसको आप मत करो, धूल धूल कर दोगी। नहीं नहीं इसको यहाँ रख दो, पानी मारूंगा। नहीं पानी नहीं, पानी ये कचरा निकाल दे। हाँ वो कचरा पानी डाल दूंगा और लुढ़का दूंगा उसको यहीं के यहीं, इसलिए कह रहा हूँ धूल मत करो, धूल बहुत जगह उड़ के जाएगी मम्मी। अब बस झाड़ू लगा दो, बाकी मैं कर दूंगा, है ना। ठीक है सर। तो दोस्तों अपन बना रहे पोहा, पोहे की प्रिपरेशन। ये प्याज बन रही है, मूंगफली और आलू, और ये पोहा। तो ये हमारी मम्मी टाइम पास करती हुई नानी से बतिया रही है, टाइम पास कर रही है सुबह सुबह। मम्मी टाइम पास कर रही है नानी से, नानी से टाइम पास कर रही है। चलो अपन पोहा बना लेते हैं गाइस। डाला तो था नहीं, बिल्कुल नमक नहीं है। पता नहीं डाला तो था मैंने, बिल्कुल नमक नहीं है। ऐसा पोहा बनाया डाला था मैंने यार, बिल्कुल नमक नहीं। खा गए खा गए डाला था मेरे हिसाब से मैंने। खाओ खाओ खाओ। मीठा मीठा है, चीनी चीनी है बस, चीनी चीनी है बस, नमक ही नहीं है। रुको ला रहा है। तपती धूप में मम्मी ने मेरे को छत पे भेज दिया, जल्दी से टंकी देखनी है, टंकी में कितना पानी है ये देखना है। अरे बाप रे बाप क्या गर्मी है। हाँ टंकी तो खाली है थोड़ी सी, शहतूत का पेड़। बाप रे क्या फटे गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, है थोड़ी। तो दोस्तों ये दाल बनाने की प्रिपरेशन हो चुकी है चालू। ये अभी अपन तड़का लगाने के लिए फ्राई कर रहे हैं भाई। हमारी मम्मी बर्तन मांज रही हैं। माते हाँ। ये चार्जर लगा दो यार प्लीज, बाहर जाते जाते लैपटॉप का। तुम कुछ काम नहीं कर सकते, मैं कोई भगाते रहते रहते हो। अरे गेट नहीं खोलना है, दिमाग खराब है क्या? बिना गेट खोले निकल जाऊंगा मैं। चलो ठीक है ठीक है, लगाओ जल्दी लगाओ, लगा 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 जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ लगा लगा। गेट नहीं खोलना, मेरा मतलब था कि मतलब गेट बंद कर देना चार्जर लगाने के बाद। चलो ठीक है अभी बंद कर दो, बंद कर दो पूरा, बंद कुंडी लगा दो, कुंडी लगा कट जाएगा। नहीं नहीं कटेगा, नीचे गैप रहता है। चलो धन्यवाद। मशरूम बना लेता हूँ मम्मी,
पागल हो क्या? क्यों? पेट वैसे तुम्हारा खराब हो रहा है, मशरूम गर्म होता है। तो इसके गर्म होने थोड़ी है, वो तो बर्फी बेसन की खराब थी, इसीलिए पुरानी हो गई, इसीलिए खराब हो रहा होगा पेट। मशरूम भी गर्म होता है। तो पहले डिसाइड कर लो आप, बर्फी की वजह से खराब हुआ कि मशरूम की वजह से खराब हुआ? अभी कह रही बर्फी की वजह से खराब हो गया, अभी कह रही मशरूम की वजह से खराब है। तुम्हारा पेट, तुम जानो तुम्हारा। नहीं तो मशरूम की वजह से खराब, पहले भी तो मशरूम खाता था मैं। अरे खाते थे बेसन की बर्फी, सभी खट्टे सभी खट्टे जहर खाओगे तो क्या होगा? तो ये ऐसे तो सूप पहले भी पीता था मैं, कुछ नहीं होता। बेसन की बर्फी नहीं खाते तो कुछ और पोजीशन हो, रुक जाओ ना। चलो ये बना लेता हूँ। तुम्हारा ही पेट है, है? और तुम्हारा ही वो है। चलो बना लेते हैं, तो बेसन की अरफी खाएंगे, बना लेते हैं। वो बेसन की अरफी पुरानी हो गई, 14-15 दिन हो गए, इसलिए खराब हो गई है। तुम देखो कुछ आना, पेट को रेस्ट दे दो, बस स्वाद चाहिए तुमको। तो पेट बेचारा कुछ भी करता रहे, हाय हाय कर रहा है पेट। ये थोड़ा सा बचा, ये बना लेते बस, फिर उसके बाद नहीं। जी लप लप कर रही है, आ जाओ, पेट कर रहा हाय हाय। दोस्तों ये बनाएंगे, मम्मी की बात नहीं सुनेंगे। दोस्तों ये आ चुका अपना लंच, ये है अपना सूप, ये है मशरूम का सूप, ये अपनी दाल, ये अपनी रोटियाँ, और ये अपनी पुदीने की और धनिया की चटनी। ठीक है, फटाफट खाते हैं, यूट्यूब पे कुछ देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं। खाना खाने के बाद काजू कतली हो जाएगा गाइस। काजू कतली मुझे बहुत पसंद है, काजू कतली। खाना खाने के बाद बढ़िया कुछ मीठा हो जाए तो क्यों ना काजू कतली हो जाए, वाह वाह। तो दोस्तों अपना आ चुका है डिनर, और डिनर में आज है हमारे साथ रोटी, फिर से दाल लंच वाली, फिर से पुदीने की चटनी, और इस बार ब्रोकली का सूप। ये ब्रोकली का सूप है, और ये टमाटर है, और ये मम्मी की थाली। मम्मी खा रही है चावल और टमाटर सलाद, और अभी हम देखने वाले हैं मूवी। हम देखने वाले हैं आज फंटास्टिक बीस्ट, क्योंकि मम्मी को हैरी पॉटर की सीरीज़ बहुत पसंद है, और फंटास्टिक बीस्ट, हैरी पॉटर, एवेंजर्स वगैरह सब देखी हुई है आपने, मम्मी ने। क्यों आते एवेंजर ज़्यादा, आपको एवेंजर्स ज़्यादा पसंद है या फिर हैरी पॉटर? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते दोनों, दोनों का तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो फिर भी आपको कौन सी, आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी? मेरे को दोनों ही अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को ब्लैक पैंथर बहुत अच्छा लगता है, और थॉर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कंपेयर तो कर नहीं सकती। आयरन मैन कैसा लगता है आपको? आयरन मैन ठीक है, लेकिन मुझे ब्लैक पैंथर और थॉर बहुत अच्छा लगता है। और वो ब्लैक विडो? आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों ये ना अभी फंटास्टिक बीस्ट देख रहे हम लोग, ये कैरेक्टर हैरी पॉटर में भी है, तो मैं नहीं पहचान पाया इसको, लेकिन हमारी मम्मी पहचान गई इसको। कौन मम्मी है? गूगल पे चेक किया, ऑरेलियस किसका नाम है? इसका नाम क्रेडेंस भी है, ऑरेलियस डंबलडोर नाम है तो इसका। अभी मैंने गूगल पे सर्च किया और मैं चुप हो गया एकदम, गलती बंद हो गई मेरी। मैंने कहा यार मम्मी, यार मम्मी आई प्राउड माय मम्मी, मम्मी को मालूम है ये ऑरेलियस डंबलडोर है। Oh, 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 oh